Yes, ma'am. Just now also I met them. There were about three people, a nurse and one guy who was involved in Air India and one guy who was 15 years old at that time. Today, obviously, it is 25, so it is 50, he must be 40 years old now. So he was also here. So I was talking to them. That lady who was a nurse, she told me her incident, ki the soldiers had come inside and pushed everything and just started, like I said, there were so many Kuwaitis who were in ICU. So they just removed the life support. मतलब बहुत सारी घट तो एक लड़ एक मेरे को आदमी मिला था वो बता रहा था कि उसके सर पे बंदूक रखी थी एक इराकी सोल्जर ने और 16 साल का बच्चा था वो उसने रखी थी और बोला कोयती कोयती बोला नो नो इंडियन 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 नो नो कोयती कोयती बोला नो इंडियन और उसको साबित करने के लिए उसने 3 मिनट का हिंदी गाना गाया तब उसको जाके छोड़ा और वो रो रो के गाना गा रहा था सो और बहुत सारे इंडियंस अपने दे लॉस्ट देयर लाइव्स आल्सो बिकॉज ट्राइंग टू प्रूव दैट देवर नॉट कुवैतीज सो इट्स अ देखिए आज आपको आप सब हैं इधर तो आपको 2 मिनट में बताता हूँ कि आप ये सोच लीजिए कि आपने ज़िंदगी में जो कुछ कमाया आज आप अमीर हैं रात को कुछ ऐसा हादसा हो जाए कि आपका सारा पैसा ज़ीरो हो जाता है क्योंकि अगर वॉर होता है तो जो पैसा आपके बैंक में होता है जमा सारी जमा पूंजी उसकी वैल्यू कुछ नहीं रहती वो ज़ीरो हो जाती है एंड देन ऑल यू से अपने माँ बाप के साथ अपने बच्चों के साथ आप रोड पे आ जाते हो आपका हाल क्या होगा उससे ऑन टॉप ऑफ इट आप इंडिया में नहीं आप किसी दूसरे पराये देश में हैं फिर उसके ऊपर और क्या बुरा हाल होता है तो दैट इज़ द थिंग विच हैपन टू देम एंड द सैडेस्ट थिंग इज किसी को इसके बारे में पता ही नहीं है वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड वालों को पता था और उन्होंने लिखा और हमको पता ही नहीं था